हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सीजे और मैं लॉस सैंटोस एक छोटे से घर में रहता हूँ। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश। दोस्तों, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं यूट्यूब पे एक चैनल बनाया और मैं ऐसे ऐसे वीडियोस पे डालता रहूँ दोस्तों। और ये है सीजे दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ये सीजे अपने घर में आराम से रहता है। ये इसका कमरा है फ्रेंड्स। और आगे चलते, ये इसके पिता का कमरा है और अंदर ये इसकी माता का कमरा है। तो फ्रेंड्स, आज सीजे ने अपने पिता से 1,00,000 रुपए मांगे, क्योंकि सीजे उसके साथ ना ये करने वाला था, वो ना बैट लगा के अपने माता पिता को उसके 2x रुपए देने वाला था। उसने बहुत जिद की, फिर उसके पिता ने उसे रुपीज है दे दी। अब उसके पिता ना कल ही दोस्तों उसके पिता दूसरे शहर गए हैं, कुछ काम गए हैं दोस्तों। उससे हमें क्या लेना देना, उससे तो सीजे को लेना देना होगा। तो ये सीजे का घर है फ्रेंड्स, ये है सीजे का घर। और आगे चलो, ये सीजे का गैराज है। और पहले इसके पास 1,00,000 रुपए लिए बैट लगाने जाएगा, तो इसको जाना है इस यहाँ पर लगती है घोड़ों की बैट। तो फ्रेंड्स, ये बाइक पे जाएगा और ये फ्रेंड्स आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ये मिलता आपको उस शॉप के सामने। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, सीजे बहुत ही अच्छा इंसान है। यस, ये अपनी माता पिता के लिए बहुत ही हिम्मत कर रहा है, बहुत ही अनोखे कदम उठा रहा है, जिससे कि आप माता पिता का कर्ज चुकता कर सके। दोस्तों, इसके माता पिता को भी बहुत कर्ज चुकता करना है, इसलिए सोचता है मैं कुछ ना कुछ करके अपने माता पिता का कर्ज चुकता कर लूँ। इसके माता पिता को इस पर नाज है। तो फ्रेंड, ये सीजे आ चुका है यहाँ बैट लगाने के लिए। अब ये उतरता अपनी बाइक पे से और चलता है बैट लगाने के लिए। इसके पास 1,00,000 रुपया है। अब ये 1,00,000 की बैट लगाएगा। ये इसने लगा दिए 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 60,000, 70,000, 90,000। और ये पूरे 1,00,000 हम लगाते हैं मैरी हिंज पर। हमारा ब्लू कलर का घोड़ा है दोस्तों, ये दौड़ा हमारा घोड़ा, ये दौड़ रहा है फ्रेंड्स। ये देख रहे हो आप कितने अच्छी प्रकार से दौड़ रहा है। थोड़ा पीछे रह गए, अबे भाग भाग भाग, तुझे सीजे का वास्ता है। ओ, ये येलो कलर वाला आगे निकल गया, अबे भाग, अबे तू रफिए मत डुबा दियो सीजे, बहुत ही दुख। ओए, सीजे के तो रुपये डूब गए। ओ फ्रेंड, सीजे के रुपये डूब गए हैं, अब हम क्या करें, सीजे के रुपीज डूब गए हैं, सीजे बहुत ही दुखी है, सीजे के रुपये डूब गए। अब सीजे क्या करे, सीजे क्या करे, अब क्या करेगा सीजे, अब क्या करेगा। हमारे पास एक आइडिया है, हमारे पास एक आइडिया है। सो हम सीजे को, इसका एक फ्रेंड है, उसका घर यहाँ पास में ही है, वो इसकी ज़रूर मदद कर देगा। हम उसके पास चलते हैं, वो ना सीजे की हर मदद करता है, क्योंकि सीजे ने भी उसकी बहुत मदद करी थी। अब सीजे जाएगा उसके पास। तो फ्रेंड्स, सीजे अपने फ्रेंड के घर आने ही वाला है। ये आ चुका है सीजे अपने फ्रेंड के घर। कहाँ गया उसका घर, यही तो था, ये रहा पीछे। ये उसकी पक्का कुछ ना कुछ हेल्प देगा, कुछ ना कुछ जानकारी से देगा, जिससे ये उसके रुपये चुकता कर सके। हम चलते हैं जल्दी घर में। तो फ्रेंड्स, सीजे अपने दोस्त के घर गया, उसे अपना दोस्त नहीं मिला, बस एक चिट्ठी पड़ी थी, वो मैसेज छोड़ गया कि मैं बर्गर शॉप पे हूँ, वहाँ आके जो भी कोई है मुझे बात कर लेना, जो भी कोई काम हो बर्गर शॉप पे आ जाए। उसने लोकेशन भेजी है बर्गर शॉप की, दिखाता हूँ आपको, ये रही पास में ही है। चलो हम फटाफट चलते हैं उस बर्गर शॉप पे और देखते हैं कि क्या वो उसकी मदद करेगा, वरना क्या वो भी नहीं करेगा, वो भी धोखेबाज निकले कभी। सीजे बहुत ही टेंशन में है, क्योंकि उसके पिता के 1,00,000 रुपए डूब गए। अब उसका पिता, लोग उसे, उसके पिता को मार मार के इतनी बेइज्जती करेंगे कि सीजे इस क्या सुसाइड नहीं कर ले। मुझे ये डर है सीजे सुसाइड नहीं कर ले। तो हमने उसकी मदद तो करनी है, फटाफट से हम उसको ले जाते हैं
शॉप पे, हम ले जाते हैं उसको शॉप। तो हम यहाँ आ चुके हैं और सीजे को अपना फ्रेंड मिल गया। अभी उससे बात कर रहा है कि कैसे हम ये हाथ में हथियार ले रहे हैं कि कोई भी अगर अड़बड़ हो गई ना तो ये उसको निमटा दे। ये बात कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, मतलब कि सीजे इसको ये कह रहा है कि फ्रेंड्स कैसे मेरे पिता के 1,00,000 रुपए डबल हो गए, जो लिए थे वो भी डूब गए। और ये कह रहा है इसका फ्रेंड कि तू ना, मैं तुझे एक लोकेशन भेजता हूँ, लोकेशन पे बताता हूँ, वहाँ जाना, मेरा एक दोस्त मिलेगा, वो ना तेरी पक्का मदद करेगा, तुझे कुछ काम बताएगा, उसका काम वो कंप्लीट कर देना, वो तेरा पक्का हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स उसकी लोकेशन इसने बता दी है, सीजे को बता दी है, उसकी लोकेशन यहाँ पास में ही है। यहाँ पे मैं बाहर निकल के दिखाता हूँ आपको, देखो ये है, यहाँ पे रेस होती है, वहाँ जाना है हमको, हम फटाफट से वहाँ चलते हैं। आपका टाइम ना लेते हुए मैं वहाँ मिलता हूँ आपको। सीजे आने वाला है, उत्तरी सीजे ने एक्सीडेंट कर दिया छोटा। फिर सीजे को क्या, इतने बड़े बड़े शहरों में छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो यहाँ हम आ चुके हैं, यहाँ हम अपनी बाइक पार करते हैं और फटाफट से चलते हैं। उसने कहा था वो वहीं आसपास मिलेगा। थोड़ी दूर चलने के बाद सीजे को अपना फ्रेंड मिल गया है जिससे इसने डील करनी है। तो सीजे कह रहा है कि हाँ भाई क्या करने पे तू मुझे पैसे देगा। तो सीजे इसने कहा जिससे डील करने वाले कि तू मेरा एक काम कर दे, थोड़ा काम मुश्किल लेकिन मैं तुझे 1,50,000 रुपए दूंगा। सीजे बहुत ही खुश हो गया। सीजे ने कहा बता बता क्या करना है, किसी की जान लेनी है? उनका नहीं जान नहीं ले रही, तो एक पुलिस वाले की कार चुरा ली, उसमें हमारे सीक्रेट कागजात हमारे गैंग की सारी डिटेल है, वो चुरा ली, मैं तुझे 1,50,000 रुपए दूंगा। सीजे बहुत ही खुश हो गया। यस, सीजे सोच रहा अब तो ये काम कर दूंगा मैं आसानी से, ठीक है। उसने उस पुलिस स्टेशन की लोकेशन बता दी है, ये है पुलिस स्टेशन की लोकेशन। अब सीजे फटाफट से जाएगा। तो सीजे ने रेसिंग वाली कार ले ली है, अब फटाफट से वो उस लोकेशन पे जाने वाला है जहां वो उस पुलिस वाले की कार चुराएगा। तो टाइम ना लेते हुए हम मिलते हैं उस लोकेशन पर। तो सीजे आधे घंटे बाद उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। सीजे देखता है कि ये तो कितना ख़तरनाक पुलिस स्टेशन है, आगे सेंट्री लेने सोचता, उसने मना किया था आगे सेंट्री लेने के लिए, फिर वो पीछे के रास्ते से जाने की सोचता, वो पीछे के रास्ते अपनी कार पार्क कर देता है। वो बाहर निकलता है और चलता है, दौड़ता है, फिर वो देखते हैं पुलिस वाला है, फटाफट से उसके आने से पहले इसमें जंप कर लेता। तो वो यहाँ झुक जाता है और आगे चलता है, आगे चलता है, आगे चलता है, वो झुक के आगे आता है, आराम से सीधे ध्यान से आता है। वो देखता है कि वो रही वो पुलिस की गाड़ी, वो बहुत ही खुश हो जाता कि आ गए 15। फिर देखते हैं वहाँ पुलिस, फिर वो सोचते हैं इनसे तो नीचे झुक के जाना पड़ेगा, जल्दी चल सीजे। फिर वो फटाफट से कार में बैठ जाता है। कार में बैठने के बाद सब सोचते हैं कि वो एक कोई पुलिस वाला ही ले गया होगा अपनी गाड़ी, उसके लिए डोर भी खुल जाता है। सीजे बहुत ही खुश हो जाता है। अबे खोलो ये गेट। वो देखता है कि एक पुलिस वाले ने उसको देख लिया। वो बहुत ही डर जाता है कि अब वो कॉल कर देगा। सीजे फट घबरा जाता है कि अब वो मुझे मार डालेंगे। फिर सीजे उस लोकेशन को देखता है कि कहाँ उसने गाड़ी पार्क करने के लिए कहा था। उसने आईफिल टावर के पास गाड़ी पार्क करने के लिए कहा था। फिर सीजे वहाँ टावर के पास फटाफट चलता है। हमें गाड़ी से कोई मतलब नहीं, सीजे को पता है कि गाड़ी से कोई मतलब नहीं, अंदर के सामान से मतलब है। उसने भी कहा था वहाँ जाने के बाद ना गाड़ी की डिक्की खोल के रख देना, मैं पीछे से आऊँगा सामान निकाल के निकल जाऊँगा। तो
तो सीजे फटाफट सी जाता है उस टावर के पास, देखता है कि टावर तो आ गया लेकिन मेन रास्ता कहाँ है। सीजे देख लेता है कि ये रहा टावर का गेट। सीजे को टावर का गेट दिख जाता है, वो तुरंत ही अपनी गाड़ी को टावर के गेट के सामने लगा देता है और डोर ओपन। सीजे ने पिछला बूट ओपन कर दिया और वहाँ से तुरंत निकल जाता है। फिर सीजे अपने लोकेशन देखता है, उसने जहाँ बुलाया था पैसे लेने के लिए, सीजे वहीं चला जाता है। उसने सीजे को वहाँ पे बुलाया था इन पे हरे हरे घासों में, यहाँ पे पटडी के पास। तो सीजे वहाँ चला गया है और ये इंसान जिसने कहा था अब वो उसे पैसे देने वाला है, अब उसने कहा तू अपने घर चला जा, तेरे अकाउंट में अपने आप पैसे डिलीवर हो जाएंगे। तो सीजे बहुत ही खुश हो जाता है अपने घर। फिर सीजे अपने घर आ जाता है और अपना अकाउंट देखता है, उसके अकाउंट में कुल रुपीज़ है 15,16,542 रुपये। सीजे बहुत ही खुश हो जाता है, वो सोचता है कि अब मैं माता पिता का बहुत ही खुश कर दूंगा, उसके माता पिता एक अच्छा घर ले लेंगे। फिर सीजे अपने घर हो जाता है और इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सीजे सबको बाय बोलता है और कहता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाइयों, प्लीज़ कर देना, मैं आपके ऐसे वीडियोज़ हमेशा लाता रहूँगा।